सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ विजय महार की जैसा। तो गाइस आपको पता ही होगा बहुत फेमस है वो, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल फोटो उनका होती है। तो गाइस आज मैं इसी टाइप कुछ फोटो एडिट करने वाला हूँ, देख सकते हो गाइस। चलो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, और हाँ गाइस अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सार की तरफ, और पिक्सार को कर लेते हैं ऑन, ठीक है। पिक्सार ऑन करने के बाद जैसे करना है आपको इस प्लस के आइकन क्लिक कर लेनी है, और अपने जो फाइल है अपनी फाइल में चले जानी है। तो हमारा जो फाइल में आ चुके हैं अवियली बैकग्राउंड को, ठीक है। और क्या करना है गाइस आपको सबसे पहले इस बैकग्राउंड का साइज को बड़ा करना है, ठीक है। तो चलते हैं टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद क्या करना है आपको रिसाइज पे जाना, और रिसाइज पे जाने के बाद क्या करना है जो वाली साइज हटा देनी है, और यहाँ से कर लेनी है 1717। ये जो साइज है बहुत बड़ा साइज होता है, यहाँ से कर लेते हैं डन। तो आपको जो साइज यहाँ पे हो चुका है, आपको जो फोटो एकदम बिल्कुल नहीं फटेगा, ठीक है। आपको करना क्या है गाइस तो मैं बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले जाना ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है गाइस आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है आपको, जिससे कि हमारी ये वाली फोटो है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऐड, तो ऐड देख सकते हैं हमारा जो फोटो ये लिए, और इसको कट कैसे करना है। तो आपको अगर बिगनर हो तो आपको यहाँ पे एक कटआउट दिखा हुआ है, कटआउट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जितने आपको दिख रही है वाली फोटो अपनी बॉडी का, चारों फोटो ऐसे करके आपको घुमा देनी है, ठीक है। तो ऐसे करके घुमा लूँगा, तुम्हारा जो फोटो यहाँ से कट हो चुका हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, तो वैसे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे एक आंख का ऑप्शन बना हुआ, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कितना हमारा फोटो कटा हुआ कितना नहीं। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करके आपको ब्रश पे क्लिक करना है, और जहाँ जहाँ छूटा है आपको वहाँ वहाँ से करके आपको पेंटिंग कर देनी है, ठीक है। जैसे जैसे पेंट करो वो आपकी बॉडी कट होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये पेंट करता हूँ, यहाँ से मेरा जो है कट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है गाइस, बस आपको सिंपल ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आराम से फोटो कट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पे मतलब हो चुका है। ऐसे वैसे मैंने फोटो कट किया है, ऐसे आपको बताने के लिए मैंने किया कि ये कैसे आप कट कर सकते हो। यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, ठीक है। तो अगर आपको बता रहे आपको अगर आपको फोटो सेव भी करना है, यहाँ से सेव लिखा हुआ है, सेव क्लिक कर देना। यहाँ पर देखो आपका फोटो यहाँ पे आगे सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। और चलते हैं अपने फोटो को तरफ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है जाना ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है अपनी फाइल में जानी है जो आपने फोटो कट किया होगा। आपको ये फोटो को पहले ऐड कर लेनी है, और ये बैकग्राउंड को आपको ये क्या बोलते हैं बादल को आपको ऐड करनी है। तो चलते हैं अपने बादल ले लेते हैं, ये बादल को नहीं लेना, मैं एक PNG बनाया हूँ, ये बादल को मैं पहले ऐड करूँगा। कुछ इस प्रकार के आपको बादल रहेगी, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ अपनी फोटो को, तो सबसे पहले डन, और डन करने के बाद क्या करना है आपको जाना फिर से ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में जानी है आपकी वाली फोटो या आपकी फोटो जिस भी टाइप की फोटो हो आपको यहाँ पे सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी फोटो को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ये वाली फोटो को मैं यहाँ से सेट करने वाला हूँ। तो कुछ इस प्रकार की सेट होगी गाइस, ठीक है। आपको करना क्या है गाइस, आपको जाना है इस पर क्लिक करना है फोटो पे, और इरेजर पे क्लिक करना है, और इरेजर पे क्लिक करने के बाद हार्डनेस को बढ़ा देनी, कम कर देनी है, और शायद ऑपोसिटी को कम कर देनी है, फोटो कर लेनी है जूम, और यहाँ से हल्का हल्का मार देनी है ताकि लगे कि भाई बादल से पैर निकला हुआ है, ठीक है। तो बस ये आपको छोटा छोटा काम करना पड़ता है ताकि आपकी फोटो जो बिल्कुल रियल लगे, फेक नहीं लगे। तो थोड़ा थोड़ा इधर ही मार देते हैं, थोड़ा इधर ही मार देते हैं ताकि लगे कि बिल्कुल फोटो एकदम बादल से निकल रहा है बैठे हुए, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, डन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो गाइस अब करना क्या है आपको फिर से जाना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है आपको फिर से ये वाली बादल को ऐड कर लेनी है, और ऐड करने के बाद क्या करना है आपको जाना ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेनी स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद आपको ये वाली बादल को हैंड में लगा देनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लग रहा है कुछ बादल रोक रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन भाई, और डन करने के बाद क्या करना है आपको फिर से जाना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद हेयर स्टाइल PNG में इसका लिंक दे दूँगा, सारा का लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से कर लेते हैं सेट, तो सेट करने से पहले क्या करना है आपको जाना है यहाँ पे एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे कुछ कलर सेटिंग है, आप यहाँ पे कलर सेटिंग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं कलर सेटिंग, थोड़ा मैं सब बढ़ा लेता हूँ ताकि जो फेस के हिसाब से मिल जाए और अच्छा लगे। तो यहाँ पे अब हो गया है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद यहाँ पे फेस स्टाइल को कर लेते हैं सेट। तो यहाँ फोटो को जूम कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं सेट, और थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेते हैं ताकि पता चले कहाँ से फोटो को कट कर लिए। कुछ इस प्रकार के आपको सेट करना होगा, और क्या करना है आपको इरेजर पे क्लिक करना है, और फालतू पार्ट को आपको इरेज कर देंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं इरेज, आप देख सकते हो गाइस कितने बिल्कुल अच्छे से तरीके से इरेज हो रही है। तो यहाँ से कर लेते हैं गाइस डन, ऑपोसिटी को बढ़ा देते हैं,
तो गाइस आप देख सकते हो कि अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा जो फोटो है हेयर स्टाइल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको कुछ कलर सेटिंग करना है। तो चलते हैं लाइट रूम की तरफ, कुछ कलर सेटिंग कर लेते हैं। इससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे ड्रॉ टूल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन डॉट पर क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। और सेव करने के बाद क्या करना है कि गाइस चलते हैं लाइट रूम की तरफ, वहाँ पर कर लेते हैं कलर सेटिंग। इसको यहाँ से कर लेते हैं मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद क्या करना है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। आपको लाइट रूम ऐप की अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रूम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्या करना है गाइस, ओपन करने के बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ सारा प्रोसेसर कैसे कैसे करना है। आपको यहाँ पे प्लस साइड में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ओपन हो रही है गाइस यहाँ पे। और ओपन होने के बाद आपको ये फोटो को यहाँ पर कर लेनी है ऐड। तो हमारा जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो हमारा जो फोटो है पिक्स लाइट रूम में ओपन हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं कलर सेटिंग। तो लाइट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा यहाँ पे आप हाईलाइट को बढ़ा सकते हो, तो थोड़ा मैं हाईलाइट को बढ़ा लेता हूँ। थोड़ा यहाँ पे साइड हो तो साइड को थोड़ा बढ़ा लूँगा सॉरी गाइस, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ गाइस, सॉरी माफ करना। तो थोड़ा वाइट बैलेंस है तो वाइट बैलेंस को आप यहाँ पे कम कर देना, थोड़ा ब्लैक है तो ब्लैक को थोड़ा कम कर देना, ठीक है, ताकि फोटो भी चमक आ जाए। और थोड़ा कलर पर क्लिक करते हैं, और मिक्स पर क्लिक करेंगे। थोड़ा यहाँ पे डार्कनेस के लिए आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। थोड़ा मैं यू को यहाँ पे कम कर लिया, थोड़ा सैचुरेशन को, तो यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेना। और क्या करना है, थोड़ा लुमियन, तो लुमियन को थोड़ा बढ़ा लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ब्लू टोन पर क्लिक करना है। थोड़ा आपको यू को यहाँ पे कम कर लेनी है, थोड़ा मैं यू को यहाँ पे कम कर लेता हूँ। थोड़ा सैचुरेशन को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ सैचुरेशन को। थोड़ा लुमियंस को आपको बढ़ा लेनी है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक करना है। थोड़ा आपको लुमियंस को बढ़ा लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम रखनी है, और यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा वाइब्रेंस को आपको बढ़ा लेनी है, थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम रखनी है, कुछ इस प्रकार की। उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा आपको क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़े वाइब्रेट को आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है, कम कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्लिक करना है, थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेंगे। शार्पनेस बढ़ाने का मतलब होता है कि आपकी फोटो में क्लैरिटी मिल जाता है, साफ दिखता है। उसका फेस स्मूथ करने के लिए आपको नॉइस पे बढ़ा लेनी है, कलर नॉइस पे आपको थोड़ा बढ़ा लेनी है, ताकि जो कलर नॉइस अच्छे से स्मूथ हो जाए और मस्त लगे। तो गाइस हमारे जो फोटो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, देख सकते हो गाइस कितने बिल्कुल मस्त लग रही है। तो गाइस आपको करना है क्या, आपको सेव करना है फोटो को। तो तीन डॉट पे क्लिक करके फोटो को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, और यहाँ पे सेव टू डिवाइस पे थोड़ा क्लिक करके फोटो कर लेने सेव, ओके पे क्लिक करके। तो यहाँ पे जो फोटो है फुल एचडी में सेट होता है गाइस। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस बाय बाय, एंड ठीक है, लाइक करना एकदम मत भूलना गाइस।